150 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया, उसके बाद एक और मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर गिराया गया। उतना ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन खैर काफी ज्यादा जो है ना ये चीज हाईलाइट हो रही है। आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? ये बुरी चीज है, किसी की इबादत गाह को तबाह नहीं करते। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने भी मना फरमाया है, किसी के मजहब को बुरा ना कहो, वो तुम्हारे मजहब को बुरा नहीं कहेंगे। यही है जी कि गलत हो रहा है, इंसानियत तो हट गया। साडा दीन तो ये चीज़ा नहीं दसदा, साडा दीन मुहब्बत भावें जेड़े भी ने हिंदू ने होर किसी मजहब के ने उहदे नाल तो दीन तो यही कहिंदा कि मुहब्बत नाल पेश आओ, ये चीज़ा तो अच्छी नहीं है। बेटा मैं तो कहता हूँ कि अच्छा हुआ, ठीक हो गया। अगर मंदिर टूट गया उनका, जब हमारी मस्जिदें उधर टूट रही हैं, तो इधर अगर एक मंदिर टूट गया तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या ये सब जो कुछ करना, ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो हम ये इस तरह का गुस्सा निकाल रहे हैं, ये सही है करना? अगर वो नहीं, गुस्सा निकालना हमें हमारा हक बनता है। ठीक है, अगर बाबरी मस्जिद शहीद हो सकती है, उधर मुसलमानों पे जुल्म हो सकती है, तो हम क्यों चुप रहे? हमारा भी हक बनता है कि हम भी करें। सर, लेकिन ये भी तो एक फैक्ट है ना कि बाबरी मस्जिद जिस जगह पर थी उससे पहले वहाँ अयोध्या में राम का मंदिर था। राम, क्या आपको इस बात का अंदाजा है? नहीं सर, यही तो चीज़ है ना कि हम लोग हिस्ट्री की तरफ बात नहीं करते, हम लोग हिस्ट्री की तरफ जाते नहीं हैं, और फिर हम लोग आज की बात जो लोग करते हैं उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी है, क्या हम उसको वाकई में पाकिस्तानी समझते हैं? नहीं, हम पाकिस्तानी समझते हैं, हम उन्हें पाकिस्तानी समझते हैं, और इसलिए तो आज तक हमारे साथ अच्छे तरीके से रह रहे हैं। अगर हम ना समझते तो उनके ऊपर जबर करते, जैसे हिंदू मुसलमान पर जबर कर रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ प्यार से रह रहे हैं। लेकिन ये जो मस्जिद और मंदिर का मामला आ जाता है ना, ठीक है, ये एक अलहदा बात हो जाती है। वो हमारी मस्जिदें शहीद कर रहे हैं, हमने आज तक कुछ नहीं कहा। अगर किसी ने मंदिर तोड़ दिया है ना, तो मैं कहता हूँ ठीक है, उनको पता चले कि भाई कल को हमारी भी कोई उधर मस्जिद का नुकसान ना हो। ठीक हो गया जी। सर आखिरी सवाल है, बहुत सारे लोग, एक लड़की जो यहाँ पाकिस्तान से वहाँ गई, उसने अपना मजहब बदल लिया और वहाँ जाकर एक हिंदू लड़के से शादी कर ली, सब लोग ये कह रहे हैं, वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि इस वजह से यहाँ पर लोग गुस्से में मंदिर को तबाह कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में उस चीज़ का गुस्सा है? नहीं, ये बात गलत है। बहुत सारी लड़कियाँ हिंदू जो मुसलमान होकर मुसलमानों से उन्होंने शादी की है, इसका मतलब कि उन्होंने इस गुस्से से मस्जिदें तोड़ी हैं हमारी, इस वजह से वो कर रहे हैं। अगर ये इस वजह से कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो बात गलत है, ये मैं नहीं मानता इस वजह। अच्छा, मैं एक ऐड करना चाह रहा था यहाँ पर, आप बीइंग अ पाकिस्तानी या मुस्लिम्स जो है ना, मेरे ख्याल से ये सवाल करना ही नहीं बनता। आप इसको माइंड भी ना कीजिएगा कि मिनोरिटीज़ के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। मिनोरिटीज़ को जितनी प्रायोरिटी पाकिस्तान में मिलती है, शायद ही किसी कंट्री में मिलती हो। इवन क्रिश्चियंस को देख लें आप, हिंदूज को देख लें, दे हैव गॉट, दे आर इन द हायर पोस्ट। हमारे खुद काफ़ी ज़्यादा ऐसे बिजनेस पार्टनर्स हैं जो कराची के अंदर दे आर डूइंग द क्लोथ्स बिजनेस, मेडिसिन बिजनेस, मेडिसिन का बिजनेस कर रहे हैं, और अगर कोई हिंदू या इंडियन अगर आ जाता है तो हमारे लोग तो उसको बड़ी मेहमान नवाजी करते हैं। ये आपकी बात मैं बिल्कुल समझ गई। वहाँ पर ये जो अगर कोई ऐसी अफवाह है कि जी उसकी वजह से है या मंदिर को डिमोलिश किया गया, तो ये तो बड़ी गलत सोच है। सर, हम लोग तजिया कारों की बात करें, अगर हम लोग तजिया कारों की बात करें, तो वो यही कहते नजर आते हैं कि अब ये इसी जगह को किसी लैंडमार्क में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपके ख्याल में क्या ये सब करना बेहतर है? अगर हम लोग देखें तो सिर्फ 8.73 जो है पॉपुलेशन हिंदू रह गई है, और वो सिंध के मैक्सिमम इलाकों में है। कहा यह जाता है लोगों की तरफ से कि फोर्सफुली उनका भी मजहब चेंज करवाया जाता है, क्या ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं नहीं, मजहब चेंज नहीं कराया जाता। वो तकरीबन आधे मुसलमान हैं, आधे हिंदू हैं, नाम के हिंदू हैं, उनकी कोई रसूमात नहीं है, उनकी कोई आज़ादी नहीं है, समझ आई ना। बाकी सिंध में है, इंटीरियर सिंध में रहीमयार खान में हिंदू हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड में हैं, उनकी अपनी इबादत गाहें हैं। एक उनका MLA बनाया हुआ है, वज़ीर भी बनाया हुआ था, इस किस्म के हालात हैं। सर, आपकी बात मैं फॉलो कर गई। यहाँ पर आम लोग जो है वो यही समझते हैं कि जो यहाँ पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं वो असल में है इंडियन, तो आपके ख्याल में, और फिर उनके साथ जो है हमारा जो बिहेवियर है वो भी ऑलमोस्ट उसी तरह का होता है, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी सिटीजन हैं, उनका रिलीजन डिफरेंट है। ठीक है, ये तो सानू तो साडा दीन भी ये चीज़ों की इजाजत नहीं देता।
कि इस तरह दी हरकत करिए ये बारे तो बस उही है कि दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला इजाज़त पा के इन्हें हदायत दे जो नहीं समझते तो गलत है जी समझना चाहिए क्योंकि असी तो वड्डे हाँ अपने को यही सुने कि पहले लोग आपस इकट्ठे ही होंदे सन ते एक दूसरे नाल इस तरह की मुहब्बत सी कि भाईचारे वाला हिसाब से वो अपने अकीदे ते ने असी अपने मसलक ते मजबूत हाँ तो सानू अपने मसलक ते मजबूत रहना चाहिए। मुबारक साहब एक लड़की पाकिस्तान दी इंडिया चली गई और उत्थे जाके उन्हें शादी भी कर ली तो मजहब भी ज्यादा बदल लिया मुसलमान हिंदू हो गई सारे कह रहे ने उनका गुस्सा है जिहड़ा मंदिरां ते कढ़िया जा रहा है क्या ये सही है? नहीं 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 ये साडे दे दे मुताबिक ते ठीक नहीं सानूं ते सुनने च आया कि वह लड़की मुसलमान है ही नहीं सी। अच्छा। जो असी सुने ना जी वो यही पता लगा कि वह लड़की मुसलमान नहीं सी अलहमदुल्ला असी ते ये जानने मुसलमान अपना अकीदा नहीं बदला जिहड़ा मुसलमान वह है ही नहीं सी वो सानूं सुनने जो एजेंट सी कोई कुछ तरह की खबर दे रहा है लेकिन ये तो रब ही जानता लेकिन जो असी सुने यही सुने कि वह मुसलमान नहीं सी। पहले भी ये खबर आई थी रहीम यार खान में एक मंदिर को तोड़ा गया था वहाँ पर जो है तोड़फोड़ की गई थी क्योंकि एक 6 साल के बच्चे ने जो है वो पेशाब कर दिया था उस मंदिर एक मस्जिद की दीवार पर। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं हमारे लोगों की मैंटालिटी माइनॉरिटीज़ को लेकर क्या है? मेरे ख्याल में और मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं। मैं रहीम यार खान से ताल्लुक़ रखता हूँ और वहाँ ऐसी कोई बात नहीं। सर आपसे आखिरी सवाल है सीमा हैदर का नाम आपने सुना होगा बहुत से लोग उसको इससे कनेक्ट कर रहे हैं कि सीमा हैदर के इंडिया जाने की और मज़हब चेंज करने की वजह से लोग इतना ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं कि वो इस तरह के इकदाम कर रहे हैं क्या आपको लगता है? कतई नहीं जी लोग महंगाई से इतने तंग हैं कि उनको कोई होश ही नहीं है। ठीक है। अच्छा भला आदमी जो है वो तंग है बिजली के बिलों से तो उसको सीमा हैदर की क्या पड़ी है? नहीं ये वो वजह तो नहीं है कि उसके पीछे कोई ऐसी बैकग्राउंड वो तो एक सुपरस्टिशियस कौम है वैसे भी हिंदू जो लोग हैं तो कुछ लोग तो वो कह रहे हैं कि वो इंटेलिजेंस की है और आर्मी की है और वो वहाँ पर गई है मगर ऐसा कुछ नहीं है बट वो गई है और वहाँ पर उसको सर आपकी बात में समझ गई हूँ बहुत से लोग जो हैं वो इन मंदिर की डिमोलिशिंग को सीमा हैदर से जो है वो रिलेट कर रहे हैं। है नहीं क्योंकि वो तो दे कैन रिलेट एनीथिंग बट ये है कि वो एक शादी करने के लिए मकसद से गई है जो कि उसकी एक नज़र भी आ रही थी जो इसके इंटरव्यू में मैंने सुना भी है मगर वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई मंदिर डिमोलिश करना है या कोई ऐसी बात है बट वो गई है वो गलत था मेरी तरफ ख्याल से बच्चे हैं उसके साथ। रिसर्च में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी है वो सिर्फ मैक्सिमम जो है वो सिंध के इलाके में रह गई है और सिंध के इलाके में सर वो सिंध में ही आता है ना पंजाब का बिल्कुल बॉर्डर में बॉर्डर के पास आ गया हाँ साथ का बहुत तो हिंदू जो हैं वो तो ओवरऑल खैर अब तो लाहौर में भी काफ़ी हैं जो पुराने लाहौर वाले साइड पे। तो सर आपको क्या लगता है कि ये जो इकदाम किए जा रहे हैं मंदिर की डिमोलिशिंग के इनको किस तरह से देखते हैं? नहीं ये जो ये जो कहा जा रहा है ये एक इंतहाई गलत है अगर पाकिस्तानी कोई भी वहाँ चला जाएगा वो उसके ऊपर इल्ज़ाम ज़रूर लगाएंगे चाहे वो एक अच्छे मोटिव से किया है तो उसको रहने नहीं दिया जाएगा क्योंकि उनके अंदर यही थिंकिंग होगी कि ये कोई ना कोई जासूस है या कोई गलत काम करने के लिए आया है क्योंकि इंडिया ने हमेशा ही पाकिस्तान को गलत ही पोर्ट्रे किया और वो गलत ही सोचेगा। सीमा हैदर को लेकर लोगों ने फतवे निकाल दिया हम उसको कत्ल कर देंगे और ये सब कुछ ये एग्रेशन भी तो लोगों का ही है। फतवे करवाने वाले जो है ना वो दे आर इलिटरेट पीपल हमें तो उनकी बातों को अच्छी बातों को प्रमोट करना चाहिए कि हमारे मुल्क से अगर वो गई है तो उसके ऊपर हमें जो है ना कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए शी इज़ गॉन ठीक है उससे अगर कोई मोहब्बत का या कोई हुई है तो मगर उसमें ये पाकिस्तान को या इस तरह से करना कि ओवरऑल एक इमेज हमें नहीं बनाना चाहिए ठीक है तो मेरा उसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें अच्छे सवाल करने चाहिए अच्छी प्रायोरिटीज़ को हमें दिखाना चाहिए मुल्क को ताकि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हों ना कि जो आपका सवाल एक था सर से कि मिनोरिटीज़ कम रह गई हैं हम मिनोरिटीज़ आप कराची का भी जाएँ जितने रिच पीपल हिंदूज़ हैं रिसर्च पेपर आपकी बात में समझ गई बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं जिनमें ये लिखा जाता है कि यंग हिंदू लड़कियों की फोर्सफुली शादी करवाई जाती है कन्वर्ट करने के लिए क्या फिर वो सब कुछ झूठ है? वो सब कुछ झूठ है मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुज़म के अंदर अगर आप हिंदू मज़हब को पढ़ें तो हिंदू मज़हब के अंदर ये है कि जब लड़की बालिग भी नहीं होती तो उसकी वो ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं और अगर उसका खावंद मर जाता है तो उसको विधवा कर देते हैं सती कर देते हैं उसको तो हिंदू जो कल्चर है वो बहसियत इस तरह का है कि वो फोर्सफुली
वो शादी करवाता है, उसके अंदर मुसलमानों का कोई अमल दखल नहीं है। मुसलमान जो इस्लाम है वो तो रिलीजन है पीस का, और इस्लाम फैला भी पीस के ऊपर था और एक अमन